मंजरी के कर्मों की सजा मिलेगी अब अभिमन्यु को। अभिमन्यु आ गया है अब खुद चलकर गोइंग का हाउस, क्योंकि बन गई है अक्षरा वकील। अब ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा कदम उठाने वाला है अबीर। अबीर लेने वाला है सबसे बड़ा फैसला। क्या करने वाला है अबीर ऐसा और क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अबीर को लेकर आ गया है गोयनका हाउस में, जहां पर अक्षरा के वकील बनने की खुशियां ही खुशियां हैं। पर इसी बीच ये गम भी है कि उनके घर का चिराग अबीर अब बिरला हाउस में है। लेकिन जो हरकत की है मंजरी ने, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अभिमन्यु को भुगतना ही पड़ेगा, और इसीलिए अब अभिमन्यु ने बड़ा कदम उठा लिया। अभिमन्यु अबीर को लेकर गोयनका हाउस में आ चुका है और यहाँ पर आकर वो माफी मांगने वाला है, ना सिर्फ अक्षरा से बल्कि अभिनव से भी, क्योंकि आरोही ने और रूही ने पूरे का पूरा इंसिडेंट बता दिया कि घर में क्या कुछ हुआ और किस तरह से अक्षरा से बात की तुम्हारी ही माँ ने, मंजरी ने, और कैसे उसकी बेइज्जती की और कैसे वो रोती हुई इस घर से निकली है। जिसके बाद ऑलरेडी काफी कुछ सुना चुका है अभिमन्यु, लेकिन अब आकर माफी मांगने वाला है वो अक्षरा से और ये कहने वाला है मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शब्दों में तो माफी नहीं मांग सकता, पर मैं यहाँ पर अबीर को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम लोग इसके साथ रहो कुछ दिन और जब तुम्हारा मन करे तब इसको तुम भेज देना बिरला हाउस में। लेकिन यहाँ पर अब अबीर सुनाने वाला है सबसे बड़ा फैसला, अबीर उठाने वाला है सबसे बड़ा कदम। जी हाँ, अबीर अपनी माँ से ये कहने वाला है कि मैं बिरला हाउस में भी रहा हूँ और गोयनका हाउस में भी रहा हूँ। बिरला हाउस में मुझे वो मजा नहीं आता, जबकि वहां पर रूही भी है, मेरी बहन है वो, वहां पर मेरे डैडा डॉकमैन भी हैं, पर इस घर में मेरे मम्मी और पापा दोनों हैं, इसलिए मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे डैडा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे डैडा को यहाँ रहने दीजिए और मेरे से मेरी बहन रूही तो मिलने आती ही रहेगी। जैसे ही ये बोलेगा अबीर, सब हैरान हो जाएंगे और अक्षरा समझाने की कोशिश करने वाली है यहाँ पर अबीर को कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद अब अबीर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। अबीर ने ये फैसला लिया है कि वो अपने दोनों पापा के साथ और मम्मी के साथ एक घर में रहेगा। अब ये उनको डिसाइड करना है कि वो जगह कौन सी होगी जहाँ पर ये तीनों एक परिवार बनकर रहेंगे। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अबीर की ये डिमांड अक्षरा पूरी करेगी, क्या अभिमन्यु की माफी को एक्सेप्ट करेगी, या फिर मंजरी ने जो हरकत की उसका खामियाजा बिरलास को हाई कोर्ट में अक्षरा के सामने भुगतना पड़ेगा। वेल, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।